हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपने कंप्यूटर व लैपटॉप की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव करें। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ऐसी ही यूज़फुल सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनको अपने कंप्यूटर सेटिंग्स में अप्लाई करने के बाद डेफिनेटली आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो इन सारी सेटिंग्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो वेलकम टू दिस वीडियो गाइस, मैं हूं आदित्य पटेल। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट टिप इज डिसेबल अनवांटेड स्टार्टअप प्रोग्राम्स। तो अनवांटेड स्टार्टअप प्रोग्राम्स वो होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के स्टार्ट होते ही उसके साथ साथ स्टार्ट हो जाते हैं और आपके कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देते हैं। आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करते ही कुछ एप्लीकेशंस साथ में स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके सीपीयू व रैम पे लोड पड़ता है और उसकी वजह से आपके कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है। तो इन सारे प्रोग्राम्स को डिसेबल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने टास्क मैनेजर में जाना है। तो टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए आप सर्च बॉक्स में टास्क मैनेजर टाइप कर सकते हैं और यहाँ से आप टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। और टास्क मैनेजर को डायरेक्टली ओपन करने के लिए आप सिंपली अपने कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप का बटन प्रेस करके भी टास्क मैनेजर को यहां से ओपन कर सकते हैं। तो टास्क मैनेजर को ओपन करने के बाद आपको यहां पर स्टार्टअप प्रोग्राम्स पर क्लिक करना है। तो यहां से आप अपने सारे अनवांटेड स्टार्टअप प्रोग्राम्स को डिसेबल कर सकते हैं जिन्हें आप यूज़ नहीं करते हैं और फिर भी वह आपके कंप्यूटर के स्टार्ट होने के साथ साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको डिसेबल करने के लिए सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और सिंपली राइट क्लिक करना है और वहां से आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी एंटीवायरस या माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस को डिसेबल ना करें। आप उन्हीं एप्लीकेशंस को डिसेबल करें जिन्हें आपने अलग से डाउनलोड किया हुआ है। तो इस सेटिंग को करने के बाद आपके सीपीयू और कंप्यूटर पे कम लोड पड़ेगा, क्योंकि अब आपके कंप्यूटर के स्टार्ट होने के साथ साथ ही वह सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट नहीं होंगे। तो सिंपली यहाँ से आप अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। सो सेकंड टिप इज़ डिलीट अननेसेसरी टेम्परेरी फाइल्स। तो आपके कंप्यूटर के स्लो होने का एक रीज़न यह भी होता है कि आप अपने कंप्यूटर में टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट नहीं करते हैं, जिनका बेसिकली हमारे कंप्यूटर में कोई यूज़ नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर हैंग होने लग जाता है या फिर स्लो वर्क करने लग जाता है। तो टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है विंडो और आर का बटन, जिससे आपका रन कमांड ओपन हो जाएगा। तो सिंपली पहले आपको यहाँ पर टाइप करना है temp और इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपकी सारी टेम्परेरी फाइल्स आ जाएंगी। तो मेरे लैपटॉप में यहाँ पर बहुत ही कम टेम्परेरी फाइल्स रखी हुई हैं, क्योंकि मैं हमेशा इसे डिलीट करते रहता हूँ। तो इन सारी फाइल्स को डिलीट करने के लिए सिंपली आपको इसे सिलेक्ट करना है। तो आप अपने माउस की हेल्प से भी इसे सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं या फिर आप अपने कीबोर्ड में प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल ए का बटन और यहाँ से राइट क्लिक करके इन सारी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। तो अननेसेसरी टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करने के लिए फिर से आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना है विंडो आर का बटन और फिर से यहाँ पर टाइप करना है %temp% और आपको एंटर प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस करने के बाद फिर से यहाँ पर आपको आपके कंप्यूटर में जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स हैं दिख जाएंगी। तो सिंपली आपको यहाँ से इसको सिलेक्ट ऑल करना है। तो मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ और इसको सिंपली डिलीट करने के लिए आप कंट्रोल डी भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करना है आपको और यहाँ से आपकी सारी टेम्परेरी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। तो फिर से टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करने के लिए आपको फिर से अपने कंप्यूटर में प्रेस करना है विंडो आर का बटन और इस बार आपको टाइप करना है prefetch
FETCH प्रीफेज, और आपको इंटरप्रेस करना है। तो इंटरप्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको सारी टेम्परेरी फाइल्स दिख जाएंगी जिसका बेसिकली हमारे कंप्यूटर में कोई यूज़ नहीं होता। तो सिंपली आपको इसे कंट्रोल ए प्रेस करके सेलेक्ट ऑल करना है और यहाँ से आपको राइट क्लिक करके डिलीट करना है। तो यहाँ से आप अपनी सारी टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं जो हमारे कंप्यूटर को हैंग या फिर स्लो वर्क करने के लिए काफ़ी होती हैं। तो इन सारी टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करके आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को थोड़ा बहुत इम्प्रूव और कर सकते हैं। सो थर्ड सेटिंग इज एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस। तो सबसे पहले आपको दिस पीसी पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक एडवांस सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो खुलकर आएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर में पहले से ही अप्लाई होगा लेट विंडो चूज व्हाट्स बेस्ट फॉर योर कंप्यूटर। तो आपको यहाँ पर एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस पर अप्लाई करना है और यहाँ से अप्लाई करना है और ओके कर देना है और यहाँ से फिर से ओके कर देना है। तो इस सेटिंग के बाद भी आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। सो फोर्थ टिप इज़ डिस्क क्लीनअप। तो हमारे मेमोरी में भी सी ड्राइव में भी ऐसी ढेर सारे टेम्परेरी फाइल्स होती हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को स्लो करने के लिए काफ़ी होती हैं। तो सबसे पहले आपको दिस पीसी पर जाना है। तो दिस पीसी पर जाने के बाद आपको सी ड्राइव पर राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन पर जाना है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक विंडो खुल कर आएगी। तो आपको यहाँ पर डिस्क क्लीनअप पर क्लिक करना है। तो डिस्क क्लीनअप पर क्लिक करने के बाद यह सारी टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करने लगेगा। तो उसके बाद आपके पास एक फिर से विंडो खुल कर आएगी। तो यहाँ पर आपको क्लीनअप सिस्टम फाइल्स पर क्लिक करना है। तो क्लीनअप सिस्टम फाइल्स पर क्लिक करने के बाद फिर से यह आपकी टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करने लगेगा। तो अगर आपके सिस्टम में बहुत ज़्यादा टेम्परेरी फाइल्स हैं तो यह कुछ टाइम ले सकता है। तो इट टेक्स सम टाइम फॉर डिलीट टेम्परेरी फाइल्स इन सी ड्राइव। तो टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करने के बाद यहाँ से आपको ओके पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको परमिशन मांगेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दीज फाइल्स। तो यहाँ से आपको डिलीट फाइल्स पर क्लिक करना है और यहाँ से आपकी सारी टेम्परेरी फाइल्स जो किसी ड्राइव में हैं वो डिलीट हो जाएंगी। तो उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप अपनी सारी मेमोरी की टेम्परेरी फाइल्स को भी डिलीट करके अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो टिप नंबर 5 इज़ डीफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव। तो इस सेटिंग को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सर्च बॉक्स में टाइप करना है डीफ्रेगमेंट। तो यहाँ पर आपको डीफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव पर क्लिक करना है और इसको ओपन करना है। तो यहाँ से आपके पास एक विंडो खुलकर आएगी। तो यहाँ पर आपको सिंपली अपनी सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ऑप्टिमाइज पर क्लिक करना है। तो यहाँ से इसको ऑप्टिमाइज करते ही यह आपकी सी ड्राइव को ऑप्टिमाइज करने लगेगा। तो बेसिकली इस सेटिंग के बाद आपकी सी ड्राइव ऑप्टिमाइज हो जाएगी और यह आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देगा। तो इसको ऑप्टिमाइज होने के बाद आप सिंपली यहां से इसको क्लोज कर सकते हैं। तो सो इस टेक सम टाइम फॉर ऑप्टिमाइजिंग योर सी ड्राइव।
तो इस सेटिंग के बाद आप अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन सारी सेटिंग्स को यूज़ करने के बाद आपको अपने कंप्यूटर को एक बार रीस्टार्ट करना है, और रीस्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव हो गई होगी। सो आई होप गाइज कि इन सारी सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो गई होगी। सो वेल गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट दिस टाइप ऑफ नॉलेजबल वीडियोज एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज फर्स्ट। तो और अगर आपको कोई डाउट हो या किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और उस पर मैं एक डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा। सो वेल गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।